किसको बाइट करूँ? I'm very happy to be here for the FEMIA Women Award. It's a prestigious event, so I'm really excited to be here. Ek Haseena Thi Deewana Tha is releasing on Friday, so I'm excited. Thoda sa nervous bhi hu. But I'm sure it'll do well. It's a romantic mystery movie. The Shiv Darshan, Natasha, me. It's directed by Sinu Darshan. Music bahut acha ja raha hai. Aaj mera ek solo gana bhi release ho chuka hai. Donen. So please check it out. अभी सिर्फ अभी दो दिन बाकी, 40 hours बाकी, तो ये कंप्लीट होने दो. आई जस्ट सी द ऑडियंस रिएक्शन. आई होप दे लाइक इट. इट्स माय मोस्ट ऑनेस्ट परफॉर्मेंस. आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू. यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों ओनली. सबसे डेंजरस चैनल्स तो यहाँ पे हैं. वेल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही खुशी की बात है कि फेमिना जैसा ऑर्गेनाइजेशन और फेमिना जैसी पब्लिकेशन औरतों के अचीवमेंट्स को ऑनर कर रहा है और वुमेन अचीवर्स को अवार्ड्स दे रहा है. आई थिंक कि बहुत आसान होता है जो काम वुमेन करते हैं उनको नज़रअंदाज करना. वुमेन बहुत सारा साइलेंट काम करती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें साइलेंटली कर देती हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में एक है कि यू नो अच्छा करो, चुपचाप करो. सो इट्स रियली नाइस दैट फेमिना इज़ टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑनर वुमेन अचीवर्स. एंड वॉट इज़ द नाइसेस्ट थिंग एक्चुअली, एंड मैं कॉन्शियसली ये एज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एज अ बॉलीवुड एक्टर बोल रही हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ इस अवार्ड के बारे में ये है कि जो अवॉर्डीज़ हैं वो सिर्फ फैशनिस्टाज या मॉडल्स या बॉलीवुड से नहीं है, कि फेमिना और औरतों को ऑनर कर रही है जो और फील्ड से बिलोंग करती हैं, जो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं. वेल मेरी फेवरेट नॉमिनी मेरी फ्रेंड है शिल्पिका गौतम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रही है एनवायरनमेंट को लेकर और रिवर्स को लेकर भारत के. सो आई रियली होप दैट शी विंस द अवार्ड. वेल मेरा अगला प्रोजेक्ट है वीरे दी वेडिंग, जिसकी शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है करीना, सोनम और शिखा तलसानिया के साथ. और इसके अलावा आपके कमरे में कोई रहता है करके एक फिल्म है डेब्यू डायरेक्टर गौरव सिन्हा की, वो मैं कर रही हूँ. और वूट का जो वेब सीरीज़ मैंने पिछले साल किया था इट्स नॉट दैट सिंपल, उसका सेकंड सीज़न आ रहा है इस साल, तो उसकी भी शूटिंग शुरू होने वाली है. जी मैं इस साल बिल्कुल, मतलब साल आधा ख़त्म हो चुका है, वो भी काफ़ी बिजी गया. अभी नेक्स्ट हाफ जो है साल का उसमें भी मैं, अभी क्या करें GST इतना बढ़ गया है ना, तो कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे. नहीं थैंक यू वेरी मच, सर्टनली नॉट. हाँ जो भी बोलने लायक था.
ऑनेस्टली कोई पूछ रहे हैं या बस आप पूछ रहे हैं? वेल मैं हमेशा से फेमिना वुमेन्स अवार्ड्स को सपोर्ट करती आई हूँ. आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट सिर्फ वुमेन को ऑनर करने के लिए भी एक अवार्ड होता है, जो जैसे कि कहा जाता है कि उनको खास अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई टोटली थिंक दैट देर आर सो मेनी मोर वुमेन अचीवर्स एंड दे नीड टू बी गिवन अ स्पेशल डे. सो आई एम वेरी प्राउड. जी इट्स वेरी नाइस. वी हैव अवार्ड्स फॉर लिटरेचर, वी हैव अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, फैशन, मीडिया. आई थिंक इट्स गुड बिकॉज हर एक ही क्षेत्र में आप जैसे देखें, यू नो, एवरी इंडस्ट्री वुमेन आर रियली रूलिंग द रूल्स. सो आई थिंक इट्स परफेक्ट दैट वी शुड ओनली रिकग्नाइज द, यू नो, लिटिल लिटिल कॉर्नर्स जहाँ पर औरतें अपना हुनर दिखा रही हैं. दिस टाइम अ लॉट ऑफ वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटेलिजेंट वुमेन हैव बीन नॉमिनेटेड. सो आई एम रियली हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस रियली इज हैपनिंग. हाँ, GST भी अभी कर रहे हो यहीं पर. हाँ, मुश्किलें होंगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, सबकी मीटिंग्स हो रही हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि सब बदल गया है. जो GST जिस मुद्दे से शुरू हुआ था और आज जिस मुद्दे पे आके रुका है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. द फाइनल पॉइंट्स विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, बट बेसिकली और काम करो. आप इसके साथ मेरे को पहले आजमाने दीजिए. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बाहर से बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर अभी तक मुझे जो दिख रहा है, मुझे काफ़ी अनकम्फर्टेबल एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं GST एज इट इज़ टुडे. बट आई विल गिव इट, यू नो, इट्स ड्यू एंड वी विल डिस्कस दिस मे बी 3 months लेटर आफ्टर इट्स एक्शन. हाँ जी, मेरी दो शोज हैं वन आई प्रोड्यूस्ड, इट्स कॉल्ड मिनी मी विच इज़ अ ट्रैवल शो, एंड वन इज़ द मिनी ट्रक जो कि कुकिंग शो है विद फिल्म स्टार्स. थैंक यू, बाय बाय. Bye-bye.